हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है कलाम को सलाम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी जो तैयारियां हैं वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमने फिगर ऑफ स्पीच को पूरी तरह से कम्प्लीट कर लिया है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फिगर ऑफ स्पीच को नहीं पढ़ा है, उस लेक्चर को नहीं देखा है, तो खुल करके पहले आप उनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और नोट भी कर लीजिए, क्योंकि वो आपके 4 मार्क्स की आएगी ही आएगी। पहले आप उनको पक्के कर लीजिए, राइट गाइस। इसके बाद हम टारगेट करते हैं पोएट्री पर, क्योंकि पेपर फर्स्ट में आपकी पोएट्री भी आएगी। तो पोएट्री के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि पोएट्री आपकी 12 मार्क्स की आने वाली है पेपर, राइट। तो कितने मार्क्स की आएगी? 12 मार्क्स की। अब वो जो 12 मार्क्स वो कैसे मिलेंगे आपको, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, एक आपको मिलेगा सेंट्रल आइडिया। वैसे तो आपको 3 सेंट्रल आइडिया मिलने वाले हैं, 3 में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, किसी एक पोएम का। तो एक पोएम का सेंट्रल आइडिया यानी कि आपको 4 मार्क्स तो ये रह गए, ठीक है। अभी 12 में से 4 चले गए तो 8 रह गए। अब देखिए 8 मार्क्स का क्या है, अब आपको मिलेंगे 3 आपको स्टैंजा मिलेंगे जिनमें से आपको 2 करने होंगे और 1 स्टैंजा आपका 4 मार्क्स का होगा। जब 1 स्टैंजा 4 मार्क्स का होगा तो 2 कितने के हो गए? 8 के। तो 8 और 4 टोटल कितना हो गया? 12 मार्क्स। तो पोएट्री में सिर्फ आपके 12 मार्क्स में आपको एक सेंट्रल आइडिया मिलेगा और 2 स्टैंजा करने को मिलेंगे, तो टोटल आपके 12 मार्क्स। हमें इनको 12 मार्क्स को टारगेट करके चलना है, 12 में से मैक्सिमम 10 टू 11 या 9 टू 10 इतने मार्क्स हमें लाने ही लाने हैं। और विश्वास कीजिए गाइस, आप लोगों के आ जाएंगे अगर आप साथ में मिलकर हम तैयारी करेंगे, यानी कि अगर अपना 100% अगर अपना एफर्ट लगाओगे कि हमें लाने हैं तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर ले आओगे। इतना मुश्किल भी नहीं होता इंग्लिश में मार्क्स लाना, पर प्लीज आपको वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, चाहे वो स्टडी हो चाहे और भी कोई काम हो। हार्ड वर्क तो हर चीज आपसे मांगेगी ही मांगेगी, राइट गाइस। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई 12 मार्क्स आपको कैसे, एक सेंट्रल आइडिया लिखने को होगा और दूसरा आपको 2 आपको स्टैंजा मिलेंगे, उनका आपको जैसे आप हिंदी में लिखते हैं संदर्भ लिखते हैं, तो अंग्रेजी में बोलते हैं रेफरेंस, फिर उसके बाद पर्सन जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद अनुवाद कह लीजिए या फिर व्याख्या, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। तो ये 3 आपको इन 3 हेडिंग्स के रूप में आपको क्या करना होता है, स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन करना होता है, राइट गाइस। अब हम आते हैं पोएम नंबर 1 पर। देखो गाइस, मैं आपको पूरी तरीके से सेंट्रल आइडिया भी बताऊंगा, इस पोएम को पढ़ाऊंगा भी, और उसके बारे में जो उसके स्टैंजा को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो वो भी आपको लिखना सिखाऊंगा। तो प्लीज आप ध्यान से पढ़िएगा और नोटबुक अपनी बनाकर रखिएगा, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं है इंग्लिश पढ़ने का। मेरे पढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आप नहीं लिखोगे, क्योंकि आखिर में लिखना आप ही को है। सो प्लीज आप बिल्कुल सीरियस होकर पढ़िएगा, ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। तो जल्दी से हम आते हैं पोएम नंबर 1 पर। पोएम नंबर 1 का क्या नाम है? करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, देखो आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं बताता हूँ आपको। करेक्टर क्या होता है? चरित्र को बोलते हैं। करेक्टर किसको बोलते हैं? चरित्र को। ऑफ अ हैप्पी लाइफ, हैप्पी सुखी खुशी, लाइफ जीवन। तो पोएम का अर्थ क्या बनता कि एक सुखी जीवन का चरित्र कैसा होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? तो एक सुखी जीवन का चरित्र, देखो सुखी जीवन या कहने का मतलब, सुखी जीवन ये यही बताना चाहेगी आपको पोएम कि एक इंसान अपने लाइफ में कैसे सुखी रह सकता है, कैसे खुश हो सकता है। जो इसके पोएट है, जिस जो कवि है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है सर हेनरी वोटन। उनका क्या नाम है? सर हेनरी वोटन, राइट। अब देखिए, मैं पोएम को पढ़ाने से पहले, पोएम के बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में इसका सार बता देता हूँ। देखो, जैसे कि पोएम का नाम है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक सुखी जीवन का चरित्र, यानी कि इसमें जो हेनरी वोटन जी क्या कहते हैं, प्रकाश डालते हैं, बताते हैं हमें एक ऐसे इंसान के बारे में कि वह अपनी लाइफ में कैसे खुश रह सकता है, उसका चरित्र कैसे अच्छा रखता है। वो तरह तरह के पॉइंट्स बताते हैं कि इंसान के पास कि इंसान के पास चाहे धन भी हो, बहुत सारी धन हो, दौलत हो, लेकिन वह तब भी खुश नहीं रह सकता जब तक उसके पास आत्मसंतुष्टि ना हो। एक अच्छा इंसान वही होता है जो किसी का गुलाम ना हो, जो अपनी इच्छाओं से बंधा हुआ ना हो, यानी कि वह हमेशा अपने अंतःकरण की सुनता हो, अपने मन की सुनता हो, वह नित्य प्रति यानी कि बिल्कुल डेली प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करता हो, ईश्वर से अपनी सिर्फ अच्छे की कामना करता हो, यानी कि ईश्वर को सिर्फ ये बोलता कि आप मुझ पर दया बनाए रखो, मैं अपना कार्य खुद कर लूंगा। तो इन कुछ पॉइंट्स को हेनरी वोटन जी बताते हैं और उसके जरिए ये वो बताना चाहते हैं कि एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी मैन का करेक्टर कैसा होना चाहिए, राइट। एक बार मैं फिर से थोड़े
दो या तीन लाइनों में बताए तो कि हेनरी वुटन जी क्या बताते कि एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा चरित्र वही होता है जो इंसान दूसरों के भरोसे ना रहे, ठीक है, दूसरों का गुलाम ना रहे, ईश्वर का ध्यान करे, ईश्वर से अपने अपने लिए दया मांगे। तो इन चीजों के बारे में उन्होंने बताया, राइट। चलिए अब देखो, मैं आपको इंग्लिश में इसकी समरी बताना चाहूंगा, क्योंकि गाइस मेरा यह मानना है अगर आपने इन पोएम्स की समरी को पढ़ लिया तो आप इजिली, आपको कहीं पर कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप समरी को पढ़ना, मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाऊंगा ध्यान से पढ़िएगा, फिर आप देखना कि आपको इस पोएम के बारे में कितनी सारी नॉलेज हो चुकी, राइट। चलिए शुरू करते हैं। समरी ऑफ द पोएम, इस पोएम का सार क्या है, कविता का सार क्या है। देखिए, दिस पोएम टेल्स अस, यह कविता हमें बताती है अबाउट द कैरेक्टर, चरित्र के बारे में, ऑफ अ हैप्पी मैन, हैप्पी मैन एक खुशी व्यक्ति, एंड हिज लाइफ और उसके जीवन के बारे में। तो यह कविता हमें एक अच्छे आदमी, एक अच्छे व्यक्ति और उसके जीवन के बारे में, उसके जीवन के चरित्र के बारे में बताती है, राइट। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम विल, अ पर्सन, यहाँ पर पर्सन का मतलब भी व्यक्ति से होता है, एक व्यक्ति जो है फ्री यानी कि मुक्त है, फ्रॉम विल, विल यहाँ पर इच्छाओं का यानी कि इच्छाओं से मुक्त है, एंड थॉट्स और विचारों से, लीड्स का मतलब बिताता है, अ हैप्पी लाइफ, एक खुश जीवन बिताता है। तो क्या कहा जा रहा है कि कवि के अनुसार एक अच्छा व्यक्ति वही होता है, एक अच्छा जीवन वही व्यक्ति बिता सकता है जो इच्छाओं से और विचारों से मुक्त होता है, राइट। ही डज नॉट एक्ट, एक्ट का मतलब काम करना, वह काम नहीं करता, अकॉर्डिंग टू अदर पीपल्स विशेज, यानी कि वह दूसरे व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, His only weapon, उसका एकमात्र हथियार, weapon का मतलब हथियार, is his honesty, उसकी ईमानदारी, and skill, और उसकी कुशलता होती है। उसका एकमात्र हथियार क्या होता है, उसकी ईमानदारी और उसकी कुशलता। A good person, एक अच्छा व्यक्ति, is not a slave, slave का मतलब गुलाम, A good person is not a slave of his desires, कि एक अच्छा व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। He is always prepared, वह हमेशा तैयार रहता है for death, वह मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहता है, यानी कि अगर उसको इस बात का डर नहीं रहता कि मौत आ जाएगी, यानी कि हमेशा prepared तैयार रहता है for death, मृत्यु के लिए। He does not care, वह परवाह नहीं करता what people say about him, वह परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। He knows, वह जानता है that, वह जानता है कि, देखिए That के बाद यहाँ पर लिखा फ्लैटरी, F L A double T E R Y, फ्लैटरी का मतलब है चापलूसी करना, चापलूसी का मतलब जो दूसरे के कहे अनुसार चलता हो उसको बोलते हैं चापलूसी करना। वह जानता है that flattery gives the deepest wounds, wounds का मतलब जख्म या घाव, wounds का मतलब जख्म या घाव, और deepest क्या होता है, गहरा, यानी कि वह जानता है इस बात को कि अगर आप चापलूसी करोगे तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा जख्म देती है यानी कि चोट देती है। He does not abide by, He does not abide by, abide by, guys यहाँ पर abide by का मतलब है बंधे रहना, A B I D E, abide by का मतलब बंधे रहना। वह नियमों से नहीं बंधा रहता, of the society, समाज के, which compel, compel का मतलब बाधित करना या force डालना, दबाव डालना, जो दबाव डालती है a person, एक व्यक्ति पर, to do, करने के लिए, unwanted work, अनचाहे काम, यानी कि वह इन चीज, वह समाज के उन रूल, उन नियमों को, उन नियमों से बंधा नहीं रहता जो इंसान को कुछ ऐसे काम करने को बाधित करते जो वो नहीं करना चाहता। एक बार फिर से बताया तो he does not abide by the rules of the society, वह समाज के उन नियमों में नहीं बंधना चाहता, which compel a person, जो एक इंसान को बाधित करती है, to do unwanted work, कुछ अनचाहे काम करने के लिए, यानी कि वह ऐसे काम नहीं, कुछ अनचाहे करने वाले काम इस समाज में कि जो ऐसे रूल है जिसमें इंसान पर दबाव दिया जाता है कि वो ऐसे भी काम करे जो वो नहीं चाहता, तो वो ऐसे नियमों को नहीं मानता, कौन नहीं मानता ऐसे नियमों को, एक गुड पर्सन। ये बातें कौन बता रहे हैं, हेनरी वुटन जी बता रहे हैं, किसके बारे में, एक अच्छे व्यक्ति के बारे में, राइट। देखिए आगे पढ़ते हैं, ही फॉलोस, फॉलोस का मतलब समझते हैं, वे मानते हैं द रूल्स, नियमों को, द रूल्स ऑफ गुडनेस, यानी कि वे अच्छाई के नियमों का पालन करते हैं। ही प्रेज, वह प्रार्थना करता है टू गॉड, भगवान से, डेली, डेली यानी कि प्रतिदिन, एंड ये आस्क, और मैं मांगता है गॉड, भगवान से, टू बी मर्सीफुल ऑन हिम, कि वह भगवान मेरे प्रति दयावान रहे, मर्सीफुल, दयावान, यानी कि भगवान से डेली वो प्रार्थना करते हैं, भगवान से इतना मांगते हैं, हे ईश्वर आप मेरे प्रति दयावान रहो, यानी कि मुझ पर दया दृष्टि बनाए रखो। कि स्पेंड्स हिज टाइम, वह अपना जीवन व्यतीत करता है, स्पेंड्स का मतलब खर्च करना, बिताना, वह अपना समय बिताता है, इन द कंपनी ऑफ गुड
फ्रेंड्स एंड बुक्स, यानी कि एक अच्छे, देखो अच्छे व्यक्ति की और विशेषता क्या बताते हैं हेनरी वुटन जी, कि ही स्पेंड्स हिज टाइम, कि अपना जीवन बिताता है इन द कंपनी, संगति में, ऑफ गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र एंड बुक्स और किताबों, यानी कि अगर वो अच्छे मित्र और किताबों को भी पढ़े तो वो भी तब भी वो अच्छा हो जाएगा, यही वो बता रहे हैं। फाइनली द पोएट, फाइनली यानी कि अंत में, द पोएट सेज दैट, अंत में कवि क्या कहते हैं, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु हैज नो वेल्थ, जिसके पास धन नहीं है एंड लैंड, जमीन नहीं है, येट फिर भी ही हैज एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ है, इज अ हैप्पी मैन, वही एक खुशी खुश आदमी है, एंड इट इज द बेस्ट करेक्टर ऑफ हिज लाइफ, और यह है उसके चरित्र के, उसके जीवन का सबसे अच्छा चरित्र है। फिर से देखिए लास्ट वाली लाइन को, फाइनली द पोएट सेज दैट, अंत में कवि कहते हैं, अ पर्सन हु हैज नो वेल्थ, जिसके पास धन नहीं है, जमीन नहीं है, फिर भी उसके पास सब कुछ है, वही एक अच्छा आदमी है, एक खुशी आदमी है, और यही उसके जीवन का सबसे अच्छा चरित्र है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए, देखो गाइज ये जो समरी लिखी हुई है, अगर आप चाहो तो इसको ध्यान से पढ़कर आपको जो सेंट्रल आइडिया, आप अपने हिसाब से इसमें से सेंट्रल आइडिया बना सकते हो, क्योंकि मैंने समरी को जो जो लिखा है, जो तैयार किया, हर स्टैंजा को पढ़कर, मैंने खुद पढ़कर उनमें से समरी को तैयार किया, ताकि हर स्टैंजा की, हर पोएम की कुछ ना कुछ लाइनों के बारे में यहाँ पर समरी में आपको समझ में आ जाए। तो अगर आप इस समरी को पढ़कर सेंट्रल आइडिया बना सकते तो बहुत ही अच्छी बात है, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी हम थोड़ा वीक, अभी हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर भी देखिए मैंने इसी समरी के आधार पर सेंट्रल आइडिया तैयार किया, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखो मैं कुछ भी चेंज नहीं किया, मैं आपको पढ़कर बताऊंगा मैंने क्या किया है और कैसे किया। देखिए अगर आपका करेक्टर होगा हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है तो आप कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले लिखने का तरीका, गाइस इंग्लिश में लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं इंग्लिश में तो आपको अच्छा लिखना पड़ेगा, सामने वाले को इंप्रेस करना ही पड़ेगा। सेंट्रल आइडिया ऐसी ही चीज होती है कि सेंट्रल आइडिया हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी अलग अलग लिखता है, तो आपको बहुत अच्छे से अच्छा लिखना पड़ेगा। देखिए मैंने कैसे लिखा है इसको जरा देखिए, द पोएम, पोएम आपको पता है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जब आप पेन, जब आप ब्लू पेन का यूज करोगे तो आप बीच में पोएम का नाम ब्लैक पेन से लिखोगे और उसको अंडरलाइन कर दोगे, ताकि सामने वाले को, एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ इन्होंने किस पोएम के बारे में लिखा है। तो देखिए द पोएम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज कम्पोज बाय सर हेनरी वुटन, सर हेनरी वुटन द्वारा कम्पोज की गई है, लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस पोएम में, इस कविता में, द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताते हैं अबाउट द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन एंड हिज लाइफ, इस कविता में जो कवि है हमें एक अच्छे, एक सुखी व्यक्ति और उसके जीवन के बारे में बताते हैं। देखिए ये लाइन देखिए आप, इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन एंड हिज लाइफ, देखिए ऊपर से बिल्कुल मैंने समरी में से ही लिखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं जहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू द पोएट अ पर्सन हु इज फ्रॉम, या उससे ऊपर देख लीजिए द करेक्टर ऑफ हैप्पी मैन, यहाँ से आपको सेम वही लिखा है। अब आप देखिए उसके आगे मैंने क्या किया, जब आपने सेंट्रल आइडिया आप लिखो तो एक लाइन छोड़ने के बाद थोड़ी सी, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद आप ऐसे लिखोगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम विल एंड थॉट्स लीड्स अ हैप्पी लाइफ, ही डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू अदर्स पीपल विश, देखो सब कुछ ऊपर समरी में जो मैंने बताया वही मैंने सेंट्रल आइडिया में लिखा है, इसलिए समरी को हमें पहले पढ़ना चाहिए ताकि हम सेंट्रल आइडिया को अपने शब्दों में कैसे भी लिख सके। हिज ओनली वेपन इज ऑनेस्ट Honesty and skill. He is always prepared for death. He does not care what people say about him. He knows that flattery gives the deepest wound. He does not abide by the rules of the society which compel a person to do unwanted works. He follows the rules of goodness. Finally, the poet says that a person who has no wealth and lands, yet he has everything, he is a happy man and it is the best character of his life. देखो बिल्कुल कुछ भी चेंज, हाँ देखो जब आप समरी पढ़ लोगे तो आपको क्या होगा, आप कुछ लाइनों को छोड़ भी सकते हो, मैंने भी वही किया, तो आपका देखिए एक अच्छा सा सेंट्रल आइडिया तैयार हो गया। ठीक है गाइस तो आप इसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें बताइए कमेंट करके, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए आज हमने पोएम फर्स्ट को करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के बारे में हमने समरी आपको पढ़ाई है, उसका सेंट्रल आइडिया बताया, और मैं प्रॉपर तरीके से आपको पोएम भी पढ़ाऊंगा और उसके स्टैंजा भी बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। बट प्लीज आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप लोगों का, अगर आप लोग हमें मोटिवेट नहीं करोगे तो हम इंकरेज नहीं होंगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमने एक ये हमने तय किया है कि हम जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये वीडियोस अपलोड करें, ताकि उन्हें अलग से कोई ट्यूशन पढ़नी ना पड़े, ज्यादा
पैसे वेस्ट ना करने पड़े, ताकि एक ही घर में बस आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। इंटरनेट की सुविधा होने से आपको आपके घर में ही सारी चीजें अवेलेबल हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक